अरे भाई जल्दी करो, देर हो रही है। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ये देखिए, ये घर के बाहर किसी ने लगाया हुआ था। हमारे घर के बाहर ये बोर्ड लगाने की हिम्मत किसकी हुई? हमारी। एक एमएलए होने के नाते जनता की सेवा करना हमारा फर्ज है। आपके घर के बाहर आपके नाम की तख्ती नहीं लगी थी, हमने सोचा लोगों को आपका घर ढूंढने में कोई परेशानी ना हो तो हम ही आपके नाम की तख्ती लगा देते हैं। जनाना ठाकुर, यही है ना आपकी असली पहचान? ठाकुर साहब, हमारी जिंदगी बर्बाद करके आपका दिल नहीं भरा जो नुसरत की मौत को बेआबरू करने चले थे? हम चाहते तो आपको कब्रिस्तान में ही जवाब देते थे, लेकिन शायद वो आपको कम पड़ जाता। आप जैसे लोगों से घिन आती है। ठाकुर साहब, शुक्रिया। अपनी बीवी और अपनी बेटी के सामने अपना असली चेहरा लाने के लिए शुक्रिया। इन्हें भी तो पता चले कि आप कितने गिरे हुए इंसान हैं, कि एक औरत पर हाथ उठाने से पहले आपने एक बार भी नहीं सोचा। माफ कीजिएगा ठाकुर बलदेव, जैसे लोग हीरा मंडी की औरतों की क्या, इस दुनिया की किसी भी औरत की इज्जत नहीं कर सकते। एक बेटी के लिए उसका पिता सबसे अच्छा इंसान होता है, लेकिन तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है। एमएलए साहिबा, आज आपने हमारे नाम के साथ खिलवाड़ किया है, गाली दी है, इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी आपको। ठीक है, अगर रानी ऑफिस आए तो उनसे कहना कि मुझे एक कॉल कर लें। थैंक यू। रानी अब तक घर वापस क्यों नहीं आई? मुझे जाकर देखना चाहिए। रानी, रानी, तुम रो क्यों रही हो? क्या नवाब साहब ने तुमसे कुछ कहा? क्या उस ठाकुर ने तुमसे बदतमीजी की? बोलो रानी, क्या हुआ? अगर इंसानों की बात हो तो हम दुनिया से लड़ ले राजा, लेकिन उस ऊपर वाले का क्या करे? वो दो लोगों की किस्मत अलग अलग साई से कैसे लिख सकता है? एक की किस्मत का रंग इतना पक्का कि पूरी दुनिया उसकी खुशी से जले, और दूसरे की किस्मत का रंग इतना कच्चा कि वो कोई खुशी देखने से पहले ही मिट जाए। हमने नवाब साहब और ठाकुर साहब को उनकी जमीर का आईना तो दिखा दिया, लेकिन ऊपर वाले को कैसे बताएं? उसने जो किया वो गलत था। ऊपर वाले ने जहां अच्छे और बुरे इंसान बनाए हैं, वहीं तुम्हारे जैसे इंसान भी बनाए हैं रानी, जो दूसरों की खुशी और सम्मान के लिए खड़े होने का साहस रखते हो। प्यार तो मैंने तुमसे हमेशा ही किया है, पर आज मुझे तुम पर गर्व हो रहा है। मेरी रानी सच में बहुत बहादुर है। हमें नहीं पता हमें इतनी ताकत कहां से आई, हमें नहीं पता हमने ये सब कैसे किया। हम बस इतना जानते हैं, बार बार हमारे सामने नुसरत आपा का चेहरा आ रहा था और वो हमसे इंसाफ मांग रही हो, लेकिन हम कुछ भी कर ले नुसरत आपा को वापस नहीं ला पाएंगे, नहीं ला पाएंगे। हमने कभी अपने आप को इतना असहाय और कमजोर महसूस नहीं किया राजा, कभी नहीं। तुम कभी भी असहाय और कमजोर नहीं हो सकती। क्योंकि तुम मेरी रानी हो। तुम सच कहे राजा, अगर हम इतनी हिम्मत दिखा पाए तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर हमने इतनी हिम्मत दिखाई है तो उसके पीछे की ताकत तुम हो। अगर तुम हमारे साथ नहीं हो तो रानी भी कुछ नहीं।
राजा हमेशा अपनी रानी के साथ होगा, समझी? चाहे खुशियों की बारिश हो या दर्द का सैलाब, जिंदगी के हर सफर में मेरा ये हाथ तुम्हारे हाथों में होगा रानी, और मौत के बाद भी। गायत्री जी, जो आपने किया वो गलत था। मैंने आपको पहले ही हिदायत दी थी कि आप नुसरत से सारे रिश्ते तोड़ ले, लेकिन आप नहीं मानी और कल तो आपने हद ही कर दी। ठाकुर साहब आपकी ही पार्टी के एक ताकतवर और मजबूत कार्यकर्ता हैं, लेकिन आपने उनके घर में जाकर जो तमाशा खड़ा किया वो आपको नहीं करना चाहिए था। अब एक ही पार्टी के दो लोग एक दूसरे को नीचा दिखाएंगे तो विपक्ष को तो मुद्दा मिल ही जाएगा ना। लेकिन सर, हमने ऐसा कुछ नहीं। मैंने अपनी बात खत्म नहीं की है और मैं आपको आखिरी बार समझा रहा हूँ कि आप जिस पद पर बैठी हैं उस पद की एक गरिमा होती है, और अगर आगे से आपने कुछ भी गलती की तो आपका एमएलए का पद खतरे में पड़ सकता है। सर, हमें अपने पद की गरिमा भी याद है और जनता से किया हुआ वादा भी। हमें तो लगा था आप हमारा साथ देंगे, लेकिन अगर आपको हमारा काम इतना बुरा लगा, हमारे काम ने आपको इतनी तकलीफ दी, तो आप ही हमें बताइए। हमें एमएलए जनता की सेवा करने के लिए बनाया गया है, मजबूत और ताकतवर लोगों का साथ देने के लिए नहीं। समाज को गंदा करने वाली नुसरत जैसी औरतें नहीं हैं, बल्कि ठाकुर बलदेव जैसे लोग हैं। सर, हम बुराई के आगे ना ही कभी झुके हैं और ना ही कभी झुकेंगे। कोशिश तो बहुत की है आपने, लेकिन एमएलए की गर्दन झुका नहीं पाए। काहे के गवर्नर हैं आप? ठाकुर साहब, बस बस, लगता है मुझे ही इसकी अकड़ तोड़नी पड़ेगी। संभल के जनाना ठाकुर, कहीं रानी की अकड़ तोड़ने के चक्कर में आपकी कमर ना टूट जाए। किसी की तरफ हाथ बढ़ाने से पहले उसके पीछे की ताकत को भांप लेना चाहिए। रानी को अकेला समझने की गलती मत करना आप। अगर तुमने उसे एक खरोंच भी दी तो मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा, और राजा जो कहता है वो कर देता है। थैंक यू राजा। मेरे होते हुए तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है रानी। आज मेरी चिपकली के पास और कोई काम तो नहीं है ना? होगा, लेकिन हमारा कुछ करने का दिल नहीं कर रहा। हम आज काम से भी छुट्टी ले रहे हैं। तो फिर एक काम करते हैं, कहीं बाहर चलते हैं, पिकनिक पर या कोई फिल्म देखते हैं। अरे हाँ, तू नया सर्कस भी तो आया है, सर्कस देखोगी? कितने दिन हो गए ना रानी, हमने साथ में पूरा दिन नहीं बिताया। राजा, हमने कहा ना हमारा कुछ करने का दिल नहीं कर रहा। तुम्हारा मेरे साथ भी बाहर जाने का दिल नहीं है? मेरे साथ वक्त नहीं बिताना चाहती हो तुम? हमें कहीं नहीं जाना राजा, हम बस अकेले रहना चाहते हैं। हमारे साथ अपने राजा के बिना रानी पूरी नहीं हो सकती। दुनिया की भीड़ में भी तुम हमारे साथ हो, और हमारी तन्हाइयों में भी। डियर, नवाब इकबाल खान आए हैं। वो आज जमीन के इंस्पेक्शन के सिलसिले में उन्होंने अपॉइंटमेंट लिया था। इतना कुछ हो जाने के बाद भी उनमें इतनी हिम्मत बची है कि आज हमारे घर आ गए। हम उनके साथ कहीं नहीं जाना चाहते, कह दो उनसे जाके। मैंने कोशिश की थी, लेकिन वो कई बार कह चुके हैं। वो क्या कहना चाहते हैं, क्या नहीं कहना चाहते, उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। हम नहीं जाना चाहते मतलब नहीं जाना चाहते। ठीक है मीनू, तुम जाओ, रानी आ जाएगी।
रानी मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए। राजा ये बात तुम कह रहे हो? तुम जानते हो उस आदमी की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। हाँ लेकिन तुम वहाँ उसकी शक्ल देखने नहीं अपना काम करने जा रही हो रानी, और काम से बढ़कर कुछ नहीं होता। याद करो रानी, यहाँ की एमएलए बनते समय तुमने यहाँ के लोगों से उनकी सेवा करने की कसम खाई थी, उस कसम को याद रखना। और वैसे भी तुम्हें उस गवर्नर को आग में घी डालने का मौका नहीं देना चाहिए। लेकिन राजा आज का दिन तो हम साथ बिताने वाले थे, कुछ स्पेशल करने वाले थे। तुम्हारे साथ तो मेरा हर दिन स्पेशल है रानी, हम फिर कभी प्लान बना लेंगे। रानी गायत्री कहीं भी जाए दो गार्ड्स साय की तरह उनके साथ रहने चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े वो कभी अकेली नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी नजरें उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात होनी चाहिए। यही वो जमीन है। आपसे एक गुजारिश, दरअसल मेरा घर यहीं पास में है, अगर आप इजाजत दे तो मैं अपने घर चला जाऊं। जाने दीजिए हुजूर, वरना वापस मुझे इतना दूर आना पड़ेगा। ठीक है जाओ। आपकी दरिया दिली हमारे मन में आपकी छवि सुधार नहीं सकते। काश आप अपने आप को हमारी नजरों से देख पाते, आपको खुद से उतनी नफरत हो जाती जितनी नफरत हम आपसे करते हैं। कि तुम पर पैर रखोगे तो सांप काटेगा जरूर। एमएलए साहब आपने और नवाब साहब ने हमारा बहुत तमाशा बना लिया, अब देखता हूं इस सांप के जहर से तुम दोनों को बचाता कौन है। Hadi.
नजर भी आ रहा है। आपको यहाँ से आमेर कोर्ट का रास्ता पता तो है ना? आमेर कोर्ट का रास्ता एक ही है जिस पे हम जा रहे हैं। पीछे गाड़ी आ रही है, वो भी शायद वहीं जा रही है। हमारे गार्ड्स कहाँ हैं? बारिश बहुत तेज हो रही है मेरे साहिबा, पीछे रह गए होंगे, आ रहे होंगे। मेरे पास बस एक ही मौका है, एक बार, और एमएलए साहिबा की जिंदगी की कहानी खत्म। अपनी गाड़ी जरा उस गाड़ी के पास ले आ। राजा बेटा, रानी की कोई खबर? मौसम बहुत खराब है, पता नहीं ये बिना मौसम की बरसात कहाँ से आ गई। आमेर कोट के पास बादल फटने की वजह से बहुत तेज बारिश हो रही है जो कि खतरनाक साबित हो सकती है, इसलिए आमेर कोट वासियों से निवेदन है कि वो घर से बाहर ना निकले। गाड़ी थोड़ी तेज नहीं चला सकते क्या? इस तरह तो पता नहीं हम कब आमेर कोट पहुंचेंगे। बारिश इतनी तेज हो रही है, रास्ता इतना खराब है, आप बताइए हम क्या करें। अलविदा एमएलए साहिबा। कभी मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ता बदलना पड़ता है, वही कर रहे हैं। रोक गाड़ी। एक बात याद रखना, अगर वो औरत मेरे निशाने पर नहीं है ना, तो उस बंदूक की गोली तेरे सीने में डाल दूंगा। रोक गाड़ी। अब गाड़ी कच्ची सड़क पे ला ही क्यों? हमें लग रहा है ये सब जानबूझकर हमें परेशान करने के लिए कर रहे हैं। आप थोड़ी देर के लिए चुप नहीं बैठ सकते क्या? आगे देखिए। जल्दी कहाँ गायब हो गए? वो हमसे आगे नहीं जा सकते। बलदेव सिंह जब शिकार पर निकलता है तो बिना शिकार के वापस नहीं जाता, अगर बिना शिकार किए वापस गया तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं। गाड़ी तेज होगा। आप हमारी अकल पे सवाल उठा रहे थे ना, अपनी अकलमंदी देख ली। एक तो आपकी वजह से हम रास्ता भटक गए, इस जंगल में हम किसी की मदद की उम्मीद भी नहीं रख सकते। अब हमने जानबूझ के तो एक्सीडेंट किया नहीं, लेकिन कुछ लोग ना रास्ता देखना जरूरी समझते हैं ना ही अपनी गलती। बस कहाँ जा रहे हैं आप? हमें यहाँ से बाहर जाना होगा। बिल्कुल नहीं, हमें इस जंगल में भटकने का कोई शौक नहीं है। ये औरतों की समझ इतनी कमजोर क्यों होती है? अब मदद खुद हमारे पास चल के तो आएगी नहीं, हमें जाना पड़ेगा ना मदद ढूंढने। मैं यहाँ हाथ पे हाथ धरे बैठ नहीं सकता, मैं रानी को ढूंढने जा रहा हूँ। आमेर को रायसला के रास्ते पर भारी भूस्खलन की खबर आई है, दोनों शहरों के बीच का संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। इस घटना में हुई क्षति का अभी तक अंदाजा नहीं लगाया जा सका है। सूत्रों की माने तो अब कल सुबह मौसम साफ होने के बाद ही इन दोनों शहरों के बीच कोई संपर्क साधा जा सकेगा। देखिए हम आपसे आखिरी बार पूछ रहे हैं, आप हमारे साथ चल रही हैं कि नहीं? जी नहीं, आपको जाना है तो आप जाइए। चले जाते लेकिन क्या करें, हमारा जमीर हमें ये इजाजत नहीं देता कि एक औरत को हम मुसीबत में यूं छोड़ के चले जाएं। नुसरत आपका कुछ छोड़ के जाने की इजाजत भी आपके जमीर ने ही दी थी ना।
बैठे रहे यहाँ पे अकेले। दिमाग खराब हो गया है, इतनी बारिश में टहलने निकले हैं। हमें पूरा यकीन है इस गाड़ी को देखकर कोई ना कोई मदद के लिए जरूर आएगा।